आदरणीय सबसे पहले तो सारी मेरी सरदारी मेरे पिता तुमने बुजुर्गो मेरी मातृ शक्ति युवा शक्ति और इन सब के ऊपर हमेशा से साया बनकर उजवा गांव की रखवाली करने वाले दादा बूढ़े को मैं सत सत नमन करती हूँ। और सबसे पहले तो दादा बूढ़े से मैं आप सबके जीवन में सुख शांति की कामना करती हूँ। उसके बाद मैं अपने बात रखने से पहले आप सबको बता दूं कि ये INLD परिवार कोई पार्टी नहीं है, एक परिवार है। जब मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भरत सिंह परिवार ने इस पार्टी को तन मन धन से सींच कर एक पौधा लगाया था। भाग्य की विडंबना कहे, समय का प्रकोप कहे, या हमारे इस परिवार के कर्मों का दुर्भाग्य कहे कि आज भरत सिंह हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिला दूं, एक बात बता दूं कि देखिए भरत सिंह की जगह तो मैं सपने में भी नहीं ले सकती, लेकिन आपको आज मैं एक आश्वासन दिला के जाती हूँ कि जो भरत सिंह ने उजवा गांव को मान सम्मान और इज्जत दी, उस इज्जत उस मान उस सम्मान में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगी। चाहे हम राजनीति में हो ना हो, ये तो समय इस बात का निर्णय लेगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आज इस पार्टी के लिए जो आप लोगों ने सहयोग दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, ये पार्टी हमेशा से आप सबका आभारी रहेगी। और उजवा गांव के लिए जो ये पद आज हमने दिए हैं, विकास सरवण को, मुकेश डागर जी को, भूपेंद्र डागर जी को, दीपक राजपूत जी को, संदीप राजपूत जी को, सोमवीर डागर जी को, जग प्रवेश तैलान जी को, मास्टर सुरेश जी को, अनूप राजपूत जी को और राजकुमारों को, पिंकी जी को, तो उजवा गांव में इस स्तंभ को मजबूत करने का काम जो इस युवा शक्ति ने किया, हमेशा से आपका इस परिवार में INLD परिवार में स्वागत है। और हम सब मिलकर उजवा गांव को एक ऐसे विकास की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम उजवा में है तो हम उजवा की बात करेंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ बारम्बार कि पूरा INLD परिवार, पूरा भरत सिंह का परिवार तन मन धन से उजवा गांव के लिए समर्पित है। और एक बात और रखनी थी कि देखिए 5 जून को भरत सिंह का जन्मदिन है, तो इस बार आर्मी कैंप वाले ब्लड डोनेट के लिए आएंगे, और इनविटेशन तो आपको मैं पहले बाद में भिजवाऊंगी, देंगे जैसा मौका पहलवान जी डिसाइड करेंगे उस हिसाब से। लेकिन पहले ही मैं आपके कानों में डाल दूं कि 5 जून को आप भरत सिंह के लिए फ्री रहिए, क्योंकि हम भरत सिंह को याद करके उसके नींव की, विकास के दौर की, विकास पुरुष जो हमारे बीच में अधूरे काम छोड़ गया, उनकी शुरुआत पूरे जोर शोर से हम 5 जून को करेंगे। और 5 जून को आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। आगे बढ़ाते हुए हम अपने जो हमारे परिवार बढ़ाया गया है INLD का परिवार, उसमें जो सदस्य शामिल हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: मुकेश डागर जी युवा अध्यक्ष विधानसभा नगरगढ़, डागर जी किसान मोर्चा सचिव नगरगढ़, संदीप राजपूत जी प्रवक्ता ईसापुर वार्ड नजफगढ़, सोमवीर डागर जी उपाध्यक्ष ईसापुर वार्ड,
स्पीकर ऐलान इनको ईसापुर वार्ड में युवा सचिव का पद दिया जाता है। इनको ईसापुर वार्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी का पता सौंपी जी, ध्यान रखना। तो एससी सेल का ईसापुर वार्ड में अध्यक्ष बनाया जाता है। युवा महासचिव ईसापुर वार्ड कुमार जी और पिंकी जी, इनको महासचिव ईसापुर वार्ड। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, भाई भरत सिंह जिंदाबाद, काऊ देवीलाल जिंदाबाद, एनएलडी पार्टी जिंदाबाद, एनएलडी पार्टी जिंदाबाद, भाई भरत सिंह अमर रहे, भाई भरत सिंह अमर रहे। Thank you.